अपने संदेशों से दुनिया को एक अलग नजरिया दिखाने वाले गुरु नानक देव जी की 23 नवंबर को जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। यूं तो उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा में हुआ। राजधानी देहरादून में भी गुरु पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कल रोज तो धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश दिहाड़ी की खुशी विच श्री अखंड पाठ साहिब निरंतर चले हैं, जिन्हों की कल 9 बजे संपन्नता हैगी। उस तो उपरंत विशेष दीवान कीर्तन दीवान सजनगा, जिस दे विच अनेक विशेष राग जते साडे विद्यालय दे विच कीर्तन करनगे। गुरु नानक देव जी की दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि और देशभक्त ना जाने अपने में ऐसे कितने गुण समेटे थे। यही कारण था कि ये सिखों के आदि गुरु यानी पहले गुरु समझे गए। सिख धर्म के अनुयायी इस दिन को प्रकाश उत्सव और गुरु पर्व के नाम से मनाते हैं। जी, गुरु नानक साहब जी के 549वें प्रकाश पर्व के ऊपर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अड़त बाजार, जो कि तकरीबन पिछले 60 सालों से इस पर्व को शाहाना तौर पर मनाता आ रहा है, इस बार भी 21 तारीख को नगर कीर्तन के रूप में पूरे देहरादून की जथेबंदियां सिख संतों की तरफ से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जो कि रेस कोर्स की संगत और कई देहरादून के जितने कीर्तनी जत्थे थे उन्होंने इसके अंदर भाग लिया। हमारे प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भी सारे नेतागण ने आकर के गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया। देश भर के सभी गुरुद्वारों में मत्था टेकने वालों का तांता लगा रहता है, लेकिन भारत के 5 प्रसिद्ध गुरुद्वारों में दूर दूर से लोग मत्था टेकने आते हैं। इनमें अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, उत्तराखंड का हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, दिल्ली का शीशगंज और बंगला साहिब गुरुद्वारा और महाराष्ट्र का हजूर साहिब गुरुद्वारा शामिल है। यहाँ हर धर्म के लोग मत्था टेकने और लंगर खाने आते हैं। गुरु नानक देव जी केवल सिख धर्म के गुरु नहीं है, उपदेशक नहीं है। गुरु नानक देव जी का उपदेश को सर्व मानवता के लिए साझा है। उन्होंने का ही संदेश है, मानस की जात सब है एक है पहचान को। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले कोई सेवा गोसाइयां, कोई अलाए, सब लेकिन सब मानव सब धर्म एक ही है। इस अवसर पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसे देखने लोगों की भारी भीड़ उमड़ेगी। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।